हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? आपके लिए एक और मजेदार सा टॉपिक मैं लेके आया हूँ जिसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये एग्जाम में 3 नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इससे रिलेटेड MCQs भी आते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। क्लास 12th में तो ये टॉपिक थोड़ा और डिटेल में पूछा जाता है, लेकिन क्लास 10th के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आसान से शब्दों में समझाने का प्रयत्न करूँगा, आसानी से आपको समझ में आएगा। देखो, बात करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप क्या समझते हो? F से याद रखो, F फॉर फ्लेमिंग, ठीक है। तो F से याद रखो, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा। क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा। मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें पता है कि हमको सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? भैया वायर की, ठीक है। वायर है तो क्या होगा? करंट सप्लाई होगा, और करंट की अगर सप्लाई है तो उसके आसपास क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इतनी बात भेजे में घुसी। और मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके आसपास क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है भैया? मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। दिमाग में ये चीज उतार लो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके बारे में बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें तो हैं आपको पता। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को क्या करना है? ऐसे उठाओ, ये मेरा लेफ्ट हैंड, ठीक। हमने क्या करना है, जो थंब है इसको बनाना है फोर्स की डायरेक्शन। थंब क्या है? फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। और ये फोर फिंगर, ये वाली किसकी डायरेक्शन है? फील्ड की डायरेक्शन है। और मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन है? मिडिल फिंगर है करंट की डायरेक्शन। तो थंब हमारा रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है भैया? फोर फिंगर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स। और भैया मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है? मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। इतनी बात समझ में आई? अब कहीं ना कहीं इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, FVI रूल, ठीक है। फॉरेन बैंक ऑफ इंडिया नहीं, ठीक है। क्या बोलते हैं? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ठीक है। FVI से याद रखो। थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। और मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट को। कैसे? अब यहां पर देखो, यहां पर जब भी तुम्हें क्रॉस दिखे और जब भी तुम्हें डॉट दिखे, ठीक है, तो जो क्रॉस है वो रिप्रेजेंट करता है इनवर्ड फील्ड लाइंस को, ठीक है। कौन सी फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। लिखे दे रहा हूं मैं, क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। और डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इतना याद रखो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे समझ लो जैसे मैंने यहां पर क्रॉस बना दिया, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मुझे डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या बताया था? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये पकड़ा स्पाइडरमैन, जूम जूम जूम, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ऐसे करना है, ठीक, ऐसे ऐसे पकड़ो। अभी मैं सब बताऊंगा कि अगर फील्ड लाइंस और करंट परपेंडिकुलर है तो फोर्स कितना होगा, फील्ड लाइंस और करंट अगर पैरेलल है तो फोर्स कितना होगा, वो सब बात करेंगे। पहले इतना समझो, ठीक। मैंने क्या बताया कि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या, क्रॉस क्या बताता है? इनवर्ड फील्ड लाइंस। तो भैया घुमा दो ऐसे, टक, अंदर जा रही फील्ड लाइंस, कहाँ जा रही? बोर्ड के अंदर। देखो ऐसे, ठीक है, तीर जैसे बोर्ड में मारो, तीर अंदर घुसेगा ऐसे, डिस्किया। तो ये क्या है? तीर वाला फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस। ऐसे गई इनवर्ड, ठीक, ध्यान से देखो, इनवर्ड गई। अब देखो फील्ड लाइंस इनवर्ड, तो फोर्स कहाँ है? फोर्स अपवर्ड है। देखो ये थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स को। और ये मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? करंट की डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन, समझ में आया? तो ऊपर की तरफ फोर्स है, करंट किधर है? राइट साइड। और इनवर्ड क्या है? फील्ड लाइंस। अगर डॉट बना हो, डॉट भैया, तो क्या होगा? अब देखो इसको घुमा दो ऐसे,
फील्ड लाइंस, ये क्या है फील्ड लाइंस, डॉट मतलब आउटवर्ड फील्ड लाइंस, इसको ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, कैसे करोगे, ऐसे ही तो करोगे, ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ऐसे। तो फील्ड लाइंस अगर आउटवर्ड है, ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, ऐसे, सॉरी, फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस अगर आउटवर्ड है, देखो ऐसे, तो करंट कहाँ हो गया, अपवर्ड, और ये क्या हो गया, फोर्स की डायरेक्शन हो गई, और करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, अपवर्ड। समझ में आया, ऐसे ही तो होगा। देखो ये फील्ड लाइंस हो गया, ये क्या हो गया, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, और ये किसको करेगा, करंट को। तो करंट अपवर्ड हो गया, फोर्स राइट साइड, और फील्ड लाइंस आउटवर्ड, यही तो होगा। इतनी बात समझ में आई, मैं रब करूं यहां पे, ठीक है। अब देखो यहां पर एक और अच्छी चीज, तुम्हें ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ई नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ई पॉजिटिव क्या होता है, हमारे पास प्रोटॉन, और ई नोड क्या होता है, ई नोड मतलब मान लो न्यूट्रल चार्ज है, जिसको एन बोल दो, ठीक है, एन नोड क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूट्रॉन, नो चार्ज। तो ई नेगेटिव को हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अल्फा, प्रोटॉन को बोलते हैं, सॉरी इसको, हाँ, अल्फा बोलते हैं, ठीक है, या इसको बीटा मान लो, बीटा। ई पॉजिटिव को बोल दो अल्फा, और इसको बोल दो गामा, ठीक है, ध्यान से सुनो, ऐसे ही मैंने नेम असाइन कर दिए, होता कुछ नहीं है, फिक्स मान लो, अल्फा फॉर प्रोटॉन, बीटा फॉर इलेक्ट्रॉन, और गामा फॉर नो चार्ज, मतलब न्यूट्रॉन के लिए, ठीक। अब तुम्हें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ठीक है, आई की डायरेक्शन क्या होगी, करंट ऑलवेज फ्लो, करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, अब ध्यान से देखो, अगर मैंने क्रॉस बनाया यहां पर, ठीक, और मैंने ये करंट की डायरेक्शन दे दी, ध्यान से सुनो, ये क्या मैंने दे दी, करंट की डायरेक्शन, या फिर मान लो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दे दी, ठीक है, क्लियर हो गया, या सपोज करो ऐसे देख लो, कुछ भी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन मैंने नीचे दे दी, अब इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर। तो फील्ड लाइंस क्रॉस किसको बताएंगे, इनवर्ड फील्ड लाइंस, तो भैया अंदर कर दी उंगली, और करंट कहाँ है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नीचे, और करंट की डायरेक्शन होगी अपवर्ड, तो करंट हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, और फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आया, क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं करना है, अगर क्रॉस हो तो फील्ड लाइन हमेशा इनवर्ड होगी, करंट को घुमा दो, करंट अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर, और ये वाला क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आ गया, ये तो था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में थोड़ा सा टॉपिक, अभी थोड़ा आगे देखते हैं, एक मिनट रुकना, कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, पेपर में जनरली आता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर देखना है आपको, जब फील्ड लाइंस एंड करंट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, फोर्स विल बी जीरो। मिनिमम लिखो, ठीक है, मतलब जब फील्ड लाइंस और करंट, फील्ड लाइंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, ये किसके पैरेलल हो, आई के, ठीक है, जब फील्ड लाइंस किसके पैरेलल हो, करंट के, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कैसा होगा, मिनिमम होगा,
समझाया? सेकंड कॉन्सेप्ट, व्हेन फील्ड लाइंस एंड करंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फोर्स विल बी मैक्सिमम। मतलब जब वी परपेंडिकुलर हो किसके, आई के, तो उस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर हो गया? और थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखना थर्ड वाला, फॉर अ क्लोज लूप फोर्स विल बी जीरो। क्लोज लूप के लिए फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। ये कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चों, ठीक है।